याद रहे पत्नी के सामने पड़ोसन की तारीफ करना मतलब पेट्रोल पंप पे बीड़ी चलाने के बराबर है। हर लड़की के सपने में अपने होने वाले पति की राजकुमार जैसी एक तस्वीर होती है, लेकिन जब उसको वैसा राजकुमार जैसा पति नहीं मिल पाता तो फिर जो पति मिलता है उसको तो भगवान ही बचाए। मैडम बोली, तुम देर से क्यों आए? लास्ट बेंच स्टूडेंट, सड़क पे लगे बोर्ड के कारण। मैडम बोली, कैसे बोर्ड के कारण? लास्ट बेंच स्टूडेंट, जिस पे लिखा है आगे स्कूल है, कृपया धीरे चले। बीवी बोली, क्यों जी, यदि मैं मर जाऊँ और तुम विधुर हो जाओ तो तुम क्या करोगे? भोला भाला पति बोला, वही जो मेरे मरने पे तुम करती। बीवी, वाह, तो उस दिन तुम झूठी बोल रहे थे कि तुम कभी दूसरा ब्याह नहीं करोगे। पति बेहोश। जब देर रात में कोई टोंट मार के पूछता है कि भाई सोए नहीं अभी तक, ऑनलाइन हो, क्या बात है, तब मेरा मन होता है कि अपना सड़ा हुआ मोजा उसके मुंह पे डाल के बोलूं, होश में आ उल्लू, तू भी तो ऑनलाइन है। ये सच है, बेरोजगारी आदमी को एकदम साधा जीवन उच्च विचार वाले आदर्श तक पहुंचा देती है। जब पहली बार मैं सुपर फास्ट ट्रेन में चढ़ा तो सहयात्रियों से पूछने लगा, इलाहाबाद कब आएगा, मुझे उतरना है। सहयात्रियों ने बताया, भाई ये गाड़ी फास्ट ट्रेन है, इलाहाबाद से गुजरेंगी मगर रुकेंगी नहीं। मैं घबरा गया। सहयात्रियों ने समझाया, घबराओ नहीं, इलाहाबाद में ये ट्रेन रोज स्लो हो जाती है। तुम एक काम करो, इलाहाबाद में जैसे ही ट्रेन स्लो हो तो तुम दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पे उतरना और फिर बिना रुके थोड़ी दूर तक ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में दौड़ते रहना, इससे तुम गिरोगे नहीं। इलाहाबाद आने से पहले सहयात्रियों ने मुझे गेट पे खड़ा कर दिया। इलाहाबाद आते ही सिखाए अनुसार मैं प्लेटफॉर्म पे कूदा और कुछ अधिक ही तेजी से दौड़ गया। इतना तेज दौड़ा कि अगले कोच तक जा पहुंचा। उस दूसरे कोच के यात्रियों में से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो किसी ने शर्ट पकड़ी और मुझे खींच के ट्रेन में चढ़ा लिया। ट्रेन फिर गति पकड़ चुकी थी। उस कोच के सहयात्री मुझसे कहने लगे, भाई तेरा नसीब अच्छा है जो ये गाड़ी तुझे मिल गई, ये फास्ट ट्रेन है, इलाहाबाद में तो रुकती ही नहीं। समाज में इसी तरह से लोगों का हमें सहयोग मिलता है।